हेलो गाइज, वेलकम बैक वीडियो क्रिएटर चंदन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आप अगर घर के लिए बिजली कनेक्शन लिए हैं और वहीं पर आपका दुकान है तो दुकान में यूज करते हैं तो क्या आपको फाइन भरना पड़ सकता है। अधिकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तब अगर आपने बिजली कनेक्शन दुकान के लिए लिया है और उसी बिजली कनेक्शन से आप घर में भी बल्ब जला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम भी आपको फाइन भरना पड़ता है, आप दंड के भागीदार बनते हैं। तो इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करेंगे, वही बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर बिजली कनेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर वहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलता, वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलता है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कई बार कि हमने घर के लिए बिजली कनेक्शन लिया है और हमारे घर के आगे ही दुकान है, तो उस दुकान में भी बिजली कनेक्शन यूज कर लेते हैं या करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, हम दंड के भागीदार बनते हैं या नहीं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम दुकान के लिए बिजली कनेक्शन लिए हैं और घर में यूज करते हैं, तो फाइन के भागीदार बनते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर घर के लिए बिजली कनेक्शन लिए हैं और दुकान में यूज करते हैं तो आप फाइन के भागीदार बनते हैं, दंड के भागीदार बनते हैं, और आपको अधिकारी के पता चलने पर आपको दंड भरना पड़ सकता है, और वो भी पता नहीं कि कितना भरना पड़ सकता है। और इसके बाद दोस्तों, दूसरा रहा कि अगर दुकान के लिए बिजली कनेक्शन लिए हैं और घर में यूज कर रहे हैं, तो इस बीच आप फाइन के भागीदार बनते हैं, दंड के भागीदार बनते हैं या नहीं। तो नहीं बनते हैं। अगर आप डोमेस्टिक कनेक्शन कमर्शियल की जगह पर यूज करते हैं तब फाइन के भागीदार बनते हैं, पेनल्टी के भागीदार बनते हैं। अगर कमर्शियल कनेक्शन डोमेस्टिक के जगह पर यूज करते हैं तब नहीं बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप दुकान के बिजली कनेक्शन घर में जलाते हैं तो उस टाइम आपका घाटा होता है, बिजली कनेक्शन वाले जो मतलब बिजली अधिकारी होता है उसको फायदा होता है। और अगर घर का बिजली कनेक्शन अगर आप दुकान में यूज करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि बिजली कंपनी जो है उसका घाटा होता है और आपका फायदा होता है, तो इसीलिए पेनल्टी आपको भरना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर का बिजली कनेक्शन आप दुकान में मत यूज कीजिए। अगर गांव में है या गांव से छोटे मोटे गांव में है तो मत यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ज़्यादा आदान जाना लगा है या शहर में रहते हैं तो वहाँ पर मत यूज कीजिए। वहाँ पर दो कनेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है और दो कनेक्शन लीजिए। अगर घर के लिए लीजिए अलग कनेक्शन डोमेस्टिक, अगर दुकान है तो दुकान के लिए लीजिए अलग से कमर्शियल कनेक्शन, दो कनेक्शन यूज कीजिए। क्या होता होगा उस टाइम, आपका दुकान का जो बिल होगा वो दुकान के तरीके से आएगा और जो आपका घर का कनेक्शन होगा उसका बिल घर के तरीके से आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक का रेट कम होता है और कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है, तो दोनों का बिल बहुत ज़मीन आसमान के फर्क हो जाता है। तो इसीलिए आपको दो कनेक्शन यूज करना है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि दो कनेक्शन आप यूज कीजिएगा। अन्यथा आप छोटे गांव में रहते हैं, छोटे बहुत पिछड़े जगह से रहते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मत यूज कीजिएगा। अगर कोई आपका दुश्मन हुआ या कोई भी हुआ तो अगर आपका शिकायत कर देता है तो उस टाइम में आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको डोमेस्टिक कनेक्शन कमर्शियल की जगह पर यूज करना चाहिए या नहीं, कमर्शियल कनेक्शन डोमेस्टिक के जगह पर यूज करना चाहिए या नहीं, मतलब घर का कनेक्शन दुकान में यूज करना चाहिए या नहीं, दुकान का कनेक्शन घर में यूज करना चाहिए या नहीं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।